प्रदेश के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव शामिल लोगों की तलाश में यूपी पुलिस ने पोस्टर जारी कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें, प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले 89 आरोपियों के पुलिस ने पोस्टर जारी कर दिए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों को इन तस्वीरों की सीसीटीवी मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद वीडियोस फुटेज से इकट्ठा किया है। पुलिस हिंसा में शामिल इन आरोपियों की तलाश में भी सरगर्मी से जुटी है। वहीं प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का 2 मंजिला घर रविवार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जावेद की बेटी ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। वहीं जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। प्रयागराज हिंसा में कई स्थानीय लोगों के घरों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसको लेकर आईजी प्रयागराज रेंज डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिनके घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है, वे लोग भी थाने में जाकर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। नुकसान की दंगाइयों से भरपाई भी कराई जाएगी। बता दें कि करेली और खुल्दाबाद थानों में अब तक 5 FIR दर्ज कराई गई है। यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि 10 जून को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 13 मुकदमे दर्ज हैं। ईडीजी के मुताबिक मंगलवार सुबह तक कुल 337 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें प्रयागराज से 92, मुरादाबाद से 40, हाथरस से 52, सहारनपुर से 83, फिरोजाबाद से 18 और अम्बेडकर नगर से 41 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता हो कि जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई से निष्कासित मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज के अटाला इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नुपुर शर्मा के खिलाफ नाराजगी करते हुए उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। प्रयागराज ही नहीं, कानपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर आदि जिलों में असामाजिक तत्वों ने शांति और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।